अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर बाजी टके सेर खाजा बाजी नहीं सरकारी जमीन खा लो। सुनो 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 सरकारी जमीन तुम्हारे बाप की बाप के बाप की बाप के बाप की और फिर आपकी सरकारी जमीन जहाँ मिलो तो कब्जा करो खास बा तुम्हारे पट्टे में लिखी है। सुनो 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 ऐसी डुंडी अब पिटने हैं हम जो बता दे रहे इस डुंडी की और सरकारी जमीन की कथा हम सुना भी उनके पहले खबर सुन लो चंद्रनगर से आ रही जहाँ बेनीसागर बांध में 9 साल को रवि कुशवाहा भैंस चरावे गाओ तो डूब गाओ डूब गए मर गाओ वह जब खोजो गाओ तो उनकी लाश मिली बांध में कल शाम के बाद में वो पीएम के लाने भेजोगा तो सब जन से कह रहा है कि लड़का बच्चा ऐसे ना छोड़ो छुट्टा जानवर गाई और जब बांध नदिया खतनियन से तो दूर रहो कहाँ से को कहाँ डूब जाओ पतो नहीं है भू माफिया जमीन माफिया रेत माफिया और मिट्टी माफिया ने इतनी बड़ी बड़ी खंदी खोद दें कि पानी भर जाए तो पता नहीं चल रहा कितने जन टैं बोल जाए सोचा खबर नहीं पूरी हो गई अगली खबर जो हम बता रहे हैं बस चौंकावे वाली है हैरान करने वाली है। खबर क्या है कि सरकारी जमीन जिए जहाँ मिल रही हो तो कब्जा कर रहे हो हमारे खबरी राजेंद्र त्रिवेदी ग्राम पंचायत चौका पहुँचे हुए सो हाथ डाल के शुरू हो गए भी उन्होंने जो खुलासा करो अपने आप में चौंकाए वाला है। सागर रोड पे एडी भाई स्कूल है और स्कूल के ठीक सामने से लेके और ना एक क्रेशर तक सामने की 7-8 एकड़ जमीन रात ही रात कब्जा होगा। नेशनल हाईवे की बेस कीमती इतनी उपयोगी जमीन जो सरकारी रकबा किया है ऊपर रात ही रात कब्जा होगा वो अब स्थिति जा है कि ईंटें सीमेंट सरिया आदि डाट डाल के जिए जो मिल रहा हो लड़के भड़के जोत के जैसे है अपने अपने प्लाट बना ले काट ले और काम शुरू कर दो। और अभी प्रशासन हमारे की तो को सो रहा हुए पता ही नहीं है दुनिया के पता चल गो जिन्हें पता चलो सो उनने अपने अपने एक प्लाट और काट ले होते जिन्हें नहीं चलो सो उनने नाम है पंचायत ने पैसा वैसा दे के जुगाड़ कर ली लेकिन प्रशासन के पतो नहीं चल रहा ये आरआईओ पटवारी का कर रहे जो एक समझे वालों सवाल है और जो नए एसडीएम है वीवी गंगेले इन्हें भी पड़ताल करने हैं पूछताछ करने आए कि जो कब्जा हो कैसे रहो। अब हम में जब सरकारी रिकॉर्ड निकालो कच्चो काम तो कर नहीं अपन जे हैं पूरे अपने पास सो जब हमें निकालो तो पता चलो खसरा नंबर 868 867 869 879 867 869 877 हो और नंबर ऐसे जोड़ जाओ तो सरकारी पे पूरे पे कब्जा हो रहा जे खड़े हम वही के सामने स्कूल के पीछे और जे सामने हम खड़े तो देखो पूरी जमीन जो है और पूरे में लगातार बिल्कुल कब्जा हो चलो जा रहा हो चलो जा रहा हो चलो जा रहा ईंटें गुम्मा बालू मिट्टी ये जो पूजा कर चल रहे 2-3 महीना पहले तक जो मैदान खाली है तो जंगल है तो पेड़ है तो सब कचो तो अब लेके तो सीमेंट को जंगल खड़ो होने लगो मौका पे हमारे खबरी राजेंद्र वेदी और संजू पहुंचे तनक देखे ले रहे क्या बता रहे हरो राम राम आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी आज आए हम चौका के आगे AD5 स्कूल है मेन रोड पे है बिल्डिंग जा इसके ठीक सामने जब सरकारी जमीन डली जा जमीन करोड़न अरबन की जमीन है बेसकीमती जमीन है जा इमें कब्जा करो जा रहो और कब्जा कैसे करो जा रहो जैसे पहले से हो चलो आओ पहले अपने कच्चे 3 टप्पर ऐसे छा छूके ऐसो करो वही के बाद धीरे धीरे करके प्रशासन की लापरवाही को फायदा उठाओ भय इसके बाद में पक्को निर्माण हो जात और निर्माण होवे के बाद प्रशासन की आँख खुलत जब कुंभकर्ण की नींद से जब जागत हल्ला मचाओ मीडिया
तो ये आउट कार्रवाई करत और कार्रवाई करत सोने मोखी खाने पर जैसो दुर्गा कॉलोनी में बहुत किनके ऊपर लठ पत्थर बरस गए थे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर काहे कि आदमी ने मकान बना के तब तैयार करे अपनी पूंजी लगाई और इसके बाद ये गिरवा पे पहुँच गए। वही दशा जा इतने होने आज नहीं तो कल होने अब जो निर्माण कार्य शुरू करे गए अब ज़्यादा कौन ऐसे निर्माण नहीं भाई अब प्रशासन अगर जाग जे है चाहे प्रशासन तो इतने से अतिक्रमण हटवा के जब करोड़ों रुपया की जमीन सरकारी जमीन बचा सकत लेकिन प्रशासन ऐसा करे ना काहे ना करे कि अगर वे ऐसा करे हैं तो जो माफिया है जोन जमीन वाले और जोन ये मिली जुली सरकार के नेता कछु छुट भैया लग जाते उनके चेला छर्रा चमचा नेतन के वे सब मिल के प्रशासनिक अधिकारी का पटवारी आर आई से लगा के वे एडीएम से लगा के सब कछु करवा ली और वे और कहूँ प्लाटिंग भी कर दी कई सरकारी जमीन की माफियान ने प्लाटिंग कर दी प्रशासन कछु नहीं कर पा रहा। अब आज की तारीख में अगर देखो जाए तो जहाँ जमीन बिल्कुल अब हर शुरुआत भैया जैसो कि पीछे भैया आप दिखाए भी जा रहा हो आप लोगों का कि जो मकान अब नए नए तैयार हो चले जा रहे और अगर ये मकान ऐसे ही बनत गए तो जब पूरी जमीन सरकार की जमीन जब प्रशासन के माफियान की जब प्रशासन से हटके माफियान के कब्जे में पहुँच गए और जो गरीबन के मकान जो भी अपनी पूंजी बना है जो है मकान बनवा है इसके बाद गिरवा दे जे गिरवा दे जहाँ माथा पच्ची हुई है मूड़ा फोरी हुई है दुनिया के लड़ाई झगड़ा हुई है चमरिया हुई है बाद में प्रशासन माफ़ी मांगे कोई दशा इतने होने इसे भैया बुंदेली चुगली चैनल ने जो बीड़ा उठाओ को जहाँ जहाँ तुम्हारी आँखें नहीं पहुँच रही तो अंधेरे आ गए हम तुम्हें दिखा रहे कि कहाँ कहाँ कितने कब्जा हो रहे ना तो शहर बच रहो ना पहाड़ियाँ बच रही ना मेन रोड बच रहो ना बाहर की जमीन बच रही माफिया इतना सक्रिय है तो प्रशासन की जहाँ आँख हम खोलबो चाहत बुंदेली चुगली चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर दिखाबो चाहत कि जहाँ जमीन अब जो ताजो मामला है इखा निपटा लो नहीं तो बाद में तुम्हें लें कि दें पर हैं और तुम ते बोल जो हो कछु न कर पाओ। सो जा है भैया दशा पूरी जमीन भू माफिया निगला जा रहा प्रशासन की चिंता नहीं है और प्रशासन पतो कब जागे जब तो मकान बन जाए आदमी रान लगे लड़का बच्चन के छत मिल जाए फिर प्रशासन पहुंचे अपनी सेखी बघार के सीना चौड़ो करके और फिर सेखी बघार के मकान आदमी के गरीबन के गिरा दे फिर विरोध हुई है फिर नेता पहुँचे फिर नेता नगरी हो जाए फिर स्टे हो जाए फिर कब्जा हो जाए फिर जेई चल रहे और सरकारी जमीन स्वाहा हो जाए जैसे दुर्गा नगर कॉलोनी में बहुत प्रशासन के जगावे के लाने हमने ढमली बजा रहे हैं कि जग जाओ 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 भैया रहो जग जाओ जो सरकारी जमीन सरकारी प्रोजेक्ट के लाने काम में आए इतनी बेशकीमती जमीन है और इतनी मौका की जमीन है अगर जग खप गई तो कौन नहीं देखे वाला और हम तो फिर यही कह जो रंगदार हैं वे सब की सब सरकारी ज़मीनें फेल डाल रहे हैं जितने बड़े बड़े कॉलोनी जा रहे बिल्डर से सब ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके और आवाज कड्डारी कॉलोनी। सो जा स्थिति है श्रृंखला शुरू भैया आगे दिखा चल भी तो भैया ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो सरकारी ज़मीन पर कर लो कब्जा कर लो सरकारी ज़मीन तुम्हारी तुम्हारे बाप की बाप के बाप की बाप की बाप की उसके बाद आपकी राम राम भैया।